नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। दोस्तों हम देखने वाले कि आप किस तरीके से इस फोन में 500 प्लस प्रीमियम फोन्स को डाउनलोड कर सकते हो और वो भी फ्री में। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, फोन साइज स्टाइल में, फोन स्टाइल में, आपको यहां पे मिलेंगे केवल 3 फोन्स और वो भी फ्री में। अगर आपको डाउनलोड करने हुए तो आप डाउनलोड फोन्स पे टैप कर सकते हो और यहां पे आपको मिलेंगे फ्री के टॉप फ्री में केवल 3 ही फोन्स, मतलब कि आप टोटल 6 फोन्स को यूज कर सकते हो फ्री में। बाकी को अगर आपको डाउनलोड करना हुआ तो आपको ₹49 पे करना पड़ता है एक फोन्स को डाउनलोड करने के लिए। लेकिन आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, आप बिना किसी पेमेंट के 500 प्लस प्रीमियम फोन्स को डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको उस लिंक पे टैप करना है। गूगल ड्राइव की लिंक है, आपको इसे ओपन करना है ब्राउजर में। तो मान लो आपने इसे ओपन कर लिया ब्राउजर में, आपको ऊपर मिलेगा डाउनलोड का आइकन बटन, आपको इस पर टैप करना है। तो फाइल का नाम है monophones.zip, 65 MB की यह फाइल है और आपको इसे करना है डाउनलोड एनीवे। फाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फाइल पूरी तरह से सेफ है और सिक्योर है, आप इसे बिना टेंशन के डाउनलोड कर सकते हो। तो हम करेंगे डाउनलोड एनीवे, फिर करिए डाउनलोड। फाइल डाउनलोड होगी, आपको वेट करना है। दोस्तों फाइल डाउनलोड हो चुकी है, आपको जाना है माय फाइल्स में और जाइए डाउनलोड्स के फोल्डर में और आपको मिलेगा मोनोफोन्स 1zip, ऐसा कुछ नाम होगा, 65 MB साइज, आपको इसे टैप करना है और करिए एक्सट्रैक्ट। और आपको इसका नाम जो है मोनोफोन्स ही रखना है, अगर नाम कोई अलग है तो आपको यहां पे इंश्योर करना है कि मोनोफोन्स नाम होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट करिए, सभी जो फाइल्स है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। आपको बैक जाना है और आपको मिलेगा मोनोफोन्स का ये फोल्डर जिसमें लिखा होगा 203 आइटम्स, उस पर आपको लॉन्ग टैप करना है और फिर इसे करिए मूव, फिर जो इंटरनल स्टोरेज लिखा हुआ है ना ऊपर, उस पर टैप कीजिए और अब करिए मूव हियर। तो ये जो मोनोफोन्स का फोल्डर है आपके मेन रूट डायरेक्टरी में आ जाएगा। मोनोफोन्स आप देख सकते हो यहां पे, आपको इस पर टैप करना है। सबसे पहले आपको मोनोफोन्स इंस्टॉलर इसे इंस्टॉल करना है, तो इस पर टैप करेंगे हम और करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद आप कर सकते हो इसे ओपन, अलाउ कीजिए और आपको यहां पे जो मोनो है उसे अलाउ करना है ताकि हम जो फोन्स है उसे इंस्टॉल कर सके इस ऐप में। तो ये है फोन्स जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहां पे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा कि अगर आप कोई फोन्स को इंस्टॉल करते हो, अप्लाई करते हो, तो किस तरीके से उसका प्रीव्यू मिलेगा आपको, यहां पे शो कर रहा है। अगर मान लो आपको किसी को डाउनलोड करना है तो आपको उस पर टैप करना है और करिए इंस्टॉल। तो फोन जो है इंस्टॉल हो चुका है, अब आपको कहां पे मिलेगा, आप इंस्टॉल पे भी देख सकते हो आपने जो इंस्टॉल किए हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना हुआ तो आप ए पे टैप करिए, यहां पे ए पे टैप कीजिए और ये रहा BST न्यू वेव, ये हमने अप्लाई किया था, मतलब डाउनलोड किया था। आपको इसे अप्लाई करने के लिए इस पर टैप करना है और आप देखोगे आपके फोन्स अब चेंज हो चुके हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो फोन्स चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से आप फोन्स को चेंज कर सकते हो। जिस फोन्स को आप डाउनलोड करना चाहते हो बस आपको यहां पे टैप करके करना है इंस्टॉल। आप सर्च भी कर सकते हो, मान लो आपको करना है रोजमैरी तो हम सर्च करेंगे रोजमैरी, तो यहां पे ये है रोजमैरी, आप देख सकते हो, इस पे टैप कीजिए और करिए इंस्टॉल। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तब आपको होम पेज पे आना इसके, और होम पेज पे आइए और फिर ए पे टैप कीजिए और ये रहा रोजमैरी, यहां पे मिल जाएगा, आपको टैप करना है अप्लाई करने के लिए और आपके फोन्स अप्लाई हो जाएंगे, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग फोन्स को इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हो बड़ी आसानी से। ये तो हुआ सैमसंग फोन्स के बारे में, लेकिन अगर आपको कस्टम फोन्स को डाउनलोड करना हो तो वो भी कर सकते हो। इसमें आपको मिलेंगे 300 प्लस कस्टम फोन्स, तो आपको जाना है कस्टम TTF में। यहां से आप रोबोटो, कलाम, हेलवेटिका, सेंसेशन, सालसा जैसे बेहतरीन फोन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो आपके फोन में। तो आपको करना कैसे, सबसे पहली बार आपको ये 4 स्टेप करने हैं। सबसे पहली बार मतलब सबसे पहले तो आपका सैमसंग अकाउंट में लॉगिन होना चाहिए, अगर नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन अगर हुआ होगा पहले से तो आपको फिर करना है दूसरा स्टेप, इंस्टॉल पे टैप कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद सिलेक्ट सैमसंग फोन्स सिलेक्ट कीजिए और सैमसंग सेंस, ये रहा सैमसंग सेंस, इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद उसी ऐप में जाइए वापस,
कस्टम डीटीएफ में जाइए। तो हमने सैमसंग सेंस को कर लिया था सिलेक्ट, अब हम करेंगे बैकअप, तो बैकअप पे टैप कीजिए। फिर आपको यहां पे सभी को करना है अनटिक, ऑफ कीजिए सभी को, आपको एक रखना है केवल ऑन और वो है सेटिंग्स, आपको केवल सेटिंग्स को ऑन रखना है। इसके बाद हम करेंगे बैकअप फॉर नाउ, बैकअप नाउ, सेटिंग्स बैकअप होगा, आपको वेट करना है। तो हम करेंगे डन, बैक जाइए और अब हम करेंगे फोन्स को इंस्टॉल। तो आपको करना है लोड टीटीएफ पे टैप, आपको कौन सा फोन करना है, तो मेरा फेवरेट यहां से है सालसा, तो मैं करूंगा सालसा, मतलब आपको मिलेगा एस में, तो एस में जाइए, फॉन्ट होगा वो ये रहा सालसा रेगुलर, आपको इस पर टैप करना है। फिर इंस्टॉल कस्टम फॉन्ट, इंस्टॉल पे टैप कीजिए, ओके कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, फिर सिलेक्ट डिफॉल्ट, सिलेक्ट पे टैप कीजिए, डिफॉल्ट को सिलेक्ट कीजिए और लास्ट का जो स्टेप है वो है रिस्टोर, रिस्टोर पे टैप कीजिए और फिर जो आपने सेटिंग्स को बैकअप किया था लास्ट टाइम उस पर टैप कीजिए और आपको सेटिंग को ही करना है इनेबल और करिए रिस्टोर। सेटिंग्स रिस्टोर हो चुकी है आप देख सकते हो और यहां पे आप देखोगे फोन्स भी चेंज हो चुके हैं, आपको वेट करना है, डन करिए और फिर आप जैसे जाओगे सेटिंग्स में तो ये है फोन सालसा जो हमने चेंज कर लिए है, हालांकि बोल्ड में है क्योंकि मैंने बोल्ड को इनेबल किया है। आप अगर इसे ऑफ करोगे बोल्ड को तो काफी शानदार ये फॉन्ट लगते हैं, आप देख सकते हो ये है सालसा। इस तरीके से आप किसी भी कस्टम फॉन्ट को डाउनलोड और अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको इतनी लंबी प्रोसेस हर बार नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहली बार आपको ये करना पड़ता है ऊपर वाले चार स्टेप्स केवल पहली बार, अब आपको केवल यही स्टेप्स करने हैं। तो लोड टीटीएफ पे टैप कीजिए, कौन सा फॉन्ट आपको करना है उस पर टैप कीजिए, फिर इंस्टॉल पे टैप कीजिए, ओके कीजिए, वापस इंस्टॉल कीजिए, फिर सिलेक्ट डिफॉल्ट कीजिए, सिलेक्ट पे टैप कीजिए, डिफॉल्ट पे टैप कीजिए और लास्ट वाला है रिस्टोर, रिस्टोर पे टैप कीजिए और जो आपने सेटिंग की थी रिस्टोर सॉरी बैकअप की थी उस पर टैप कीजिए और करिए रिस्टोर। हो चुका है कंप्लीट, डन कीजिए और आप देख सकते हो ये जो फोन से अप्लाई हो चुके हैं। इस तरीके से आप अलग अलग फोन्स को अप्लाई कर सकते हो, आप दो तरीके से यहाँ पे फोन्स को चेंज कर सकते हो। एक तो जो फोन्स होते हैं ये सिंपल फोन्स मतलब सैमसंग के फोन्स, इन्हें अप्लाई करना काफी आसान है, बस आपको टैप करके इंस्टॉल करना है और जो भी आप डाउनलोड करोगे आपको मिलेंगे ए में और यहां से आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे जो फोन्स है वो है कस्टम टीटीएफ, तो इसमें आपको पहली बार तो ये करना पड़ेगा लेकिन बाद में फिर आपको यही चार स्टेप्स करने हैं और आप बड़ी आसानी से फिर कर सकते हो अपने कस्टम फोन्स को इंस्टॉल। और जो भी आप इंस्टॉल करोगे आपको मिलेंगे इंस्टॉल्ड में और आप यहां से उन्हें चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो, आपको टैप करना है और करना है अनइंस्टॉल। तो मैं अगर चाहूं इसे अनइंस्टॉल करना तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर सकता हूं इस तरीके से। और अगर आपको लगता है कि मुझे अब इसका यूज नहीं करना है तो आप जो ऐप है मोनो एपी के उससे अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फोन्स का यूज करना हुआ तो आपको इसे अनइंस्टॉल नहीं करना है, इसे रखना है। हालांकि जो जिप फाइल है जो हमने डाउनलोड की थी जिप फाइल उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये है जिप फाइल, मैं इसे चाहूं तो डिलीट कर सकता हूं। इसके बाद भी जो फोन्स का ऐप होगा वो काम करेगा, आप यहां पे देख सकते हो। इस तरीके से आप फ्री में 500 प्लस प्रीमियम फोन्स को अप्लाई कर सकते हो अपने फोन में। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।